लौर थाना क्षेत्र स्थित देव तालाब मंदिर में हुआ बड़ा हादसा। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। लौर थाना क्षेत्र स्थित देव तालाब मंदिर परिसर में लगाए गए बैरिकेड में हाई टेंशन तार गिर गई। घटना के बाद मंदिर परिसर में मचा हड़कंप। सावन के चौथे सोमवार के चलते मंदिर में उमड़ी थी श्रद्धालुओं की भीड़, जिसकी वजह से एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। दादाजी, ये कैसे हुआ? करंट फैल गया। हाँ, करंट फैला, फिर इसके बाद हो गया तो सबको मारने लगा, चिट्ठीने लगे, सीने के बाद भगदड़ लग गई, चल गए और आधा घंटा तक वहाँ कंट्रोल रूम में पड़े रहे। कोई व्यवस्था कोई आना जाना पब्लिक जाम की जिम्मेदारी पहुँच गई थी। वहाँ कोई टी आई साहब थे, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर करके व्यवस्था की है जी। ये आप लोग अपने से लेके आए हैं? नहीं नहीं, मैं तहसीलदार की गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से कैसे कैसे करके बहुत दूर तक हाथ पकड़ के कान में लाद करके इधर उधर करके अभी हमारे तीन चार मरीज उधर है, पता नहीं ले गए कि नहीं ले गए, कहाँ है, कैसे है। आपके साथ वाले कितने कितने लोग घायल हुए होंगे? कम से कम 50-60 आदमी। अभी देव तालाब में हादसा हुआ। हाँ, देव तालाब में एक हादसे की जानकारी मिली बिजली के करंट से, और उसमें कुछ उसके करंट के कारण कुछ भगदड़ भी मची। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज सोमवार का दिन था और प्रसिद्ध मंदिर देवतलाव में आज सोमवार के दिन तमाम दर्शनार्थी लोग जाते हैं, तो उस भगदड़ को लेकर के अभी SDM वहाँ पहुँच गए हैं, हमारे यहाँ के तहसीलदार वहाँ पहुँच गए हैं, कलेक्टर भी रीवा से चल दिए हैं, रास्ते में पहुँच रहे हैं, मैं भी यहाँ अस्पताल में आ गया। प्रथम दृष्टा हमें सबको अस्पताल में ट्रीटमेंट अच्छा हो सके तो नईगढ़ी का अस्पताल, देवतलाव का हॉस्पिटल और मऊगंज के अस्पताल चिन्हित किए गए हैं कि तत्काल इसमें, और इमरजेंसी में आपने देखा होगा सब सुविधाएं बिस्तर और सब लगा करके इमरजेंसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अभी तक 5 लोग इस अस्पताल में आ चुके हैं मऊगंज में, हो सकता है रास्ते में और लोग हैं। 12 लोगों की सूचना वहाँ से भेजने की अभी आई है, तो एम्बुलेंस यहाँ आ रहे हैं। हमारे BMO साहब भी लगातार एम्बुलेंस भेज करके और लोगों को मंगा रहे हैं। अभी नईगढ़ी में जो मैंने अभी बात की है, तो अभी नईगढ़ी में लोग नहीं पहुँचे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। फिर भी हम सब लोग अलर्ट होकर के और अस्पतालों में पूरी व्यवस्था रखना चाहिए, और मैं भी वहाँ निकल रहा हूँ, देखता हूँ कि और क्या क्या ज़रूरत होगी तो सब व्यवस्थाएँ की जाएंगी।